साहब जी, बैंक का चोर नहीं, नहीं, बैंक का चोर इसकी टाइटल होनी चाहिए थी, क्योंकि का या की, बैंक की चोरी या बैंक का चोर, का या की निकालने से ये गाली लगती है, ये टाइटल जो है ना गाली लगती है। और मैं तो यू नो सिर्फ हाथ जोड़ना चाहता हूँ पिक्चर बनाने वालों को कि हमारे पे तरस खाइए और मेहरबानी करके ऐसी पिक्चरें ना बनाए। बिकॉज इन वन वर्ड इफ़ यू आस्क मी के बैंक का चोर कैसी पिक्चर लगी, तो मैं कहूँगा इट इज़ अ टॉर्चर। पिक्चर उतनी अच्छी नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छा है रितेश का, विवेक का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन पिक्चर बहुत वीक है। इतनी छोटी पिक्चर बनाने के बावजूद भी अच्छी नहीं बनाई उन्होंने, तो टोटल फ्लॉप पिक्चर है। दो घंटे की पिक्चर है, बर्दाश्त नहीं हुई। विवेक, रितेश और आफ्ताब, ये ऐसी पिक्चर के लिए बने, ऐसे टाइटल के लिए मस्ती है वगैरह, तो ये तो टोटल टॉर्चर है। ना कॉमेडी है, ना रोमांस है, ना ही गाने, ना ही आइटम नंबर है। एक ही बैंक में पिक्चर बना दिया, कैमरा लगा दिया, भंगसबाजी चल रही। दो घंटा बर्दाश्त नहीं कर सकते तो सोचो आगे क्या होगा। सर, कोई डायलॉग कुछ खास नहीं है, लेकिन कॉमेडी उन्होंने बनाई है, वो कॉमेडी पब्लिक को हंसने को ही नहीं आती, पब्लिक को हंसी ही नहीं आती, तो उधर ही पिक्चर फ्लैट हो गई। और गाने भी नहीं पिक्चर में। डायलॉग एक है अच्छा लगा, जो रितेश देशमुख का डायलॉग कहता है कि मैं गलती से भी कोई गलती नहीं करता, ये डायलॉग अच्छा था, जो हम पे लागू होता है, कम से कम मेरे पे लागू होता है, कि मैंने गलती से एक गलती कर ली और मैं बैंक का चोर देखने चला आया। एक डायलॉग अच्छा है विवेक अभरे का, कि आप बैंक चोरी करने आए हो, भारत लेके आए हो, हाथी घोड़ा साथ लेके आए हो, वो एक डायलॉग अच्छा है। और एंड में तीनों चोर हंसते हैं जब पिक्चर खत्म हो जाती है, इसका मतलब ये ऐसे हंस रहे थे कि बेवकूफ लोग पिक्चर देखने आ गए। हमको भी ऐसे लगा, सचमुच कह रहा हूँ, ये तीनों लोग जो एक तो टाइटल शुरू हो गई तो लोग बाहर जाने लगे, और फिर ये इन तीनों का हंसना, तो मुझे तो सचमुच ऐसा लग रहा था कि हम तीनों पे हंस रहे हैं, यू नो आई मीन यू नो ये तीनों, हम तीनों पे हंस रहे हैं कि बॉबी और लालू, विजय, ये तीनों बेवकूफ पिक्चर ऐसी देखने चले कैसे आए। पिक्चर में म्यूजिक भी नहीं है, कोई गाना भी नहीं, और जो सब अननोन फेसेस है, सिर्फ रितेश विवेक को छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं कोई पहचानता ही नहीं उनको। हीरोइन भी कौन है, किसका नाम पता मालूम नहीं, जो आजू बाजू के आर्टिस्ट है किसी को किसी का नाम नहीं मालूम, तो पता नहीं चला कौन, मतलब सब अननोन आर्टिस्ट है। स्टोरी भी है ही नहीं, स्टोरी सिर्फ एक बैंक के अंदर लोग चोरी करने जाते हैं, किस तरह पुलिस आती है और किस तरह सब वहाँ से निकल जाते, वही बस, और कुछ नहीं। हीरोइन के बगैर मैं तो कम से कम पिक्चर सोच भी नहीं सकता कि बनाई जा सकती है। हीरोइन को मैं मानता हूँ कि भाई जैसे पिंच ऑफ सॉल्ट है, आप मक्खन वाला चिकन बनाइए या मक्खन वाला पनीर बनाइए, तो उसमें आप सब इंग्रेडिएंट्स डाल दीजिए, लेकिन अगर आप उसमें नमक डालना भूल गए तो क्या आपको कोई स्वाद आने वाला है? नहीं ना। तो सेम थिंग हियर, हीरोइन के बगैर अगर आप दोनों अपने कंधों पे पिक्चर लेना चाहोगे, नहीं ले सकते, इट इज़ अ चैलेंज। आउट ऑफ फाइव साहब, आधा दे दिया, बहुत हो गया पिक्चर को। आउट ऑफ फाइव वन स्टार, रितेश और विवेक को आउट ऑफ फाइव थ्री स्टार। ये बैंक चोर की पिक्चर देखनी है तो आंखें बच्चन सब की, जो अंधे लोग ने चोरी की थी, इससे अच्छी तो राम गोपाल वर्मा अच्छी बनाता था, तो इसमें पांच में से सिर्फ एक ही दूंगा। God bless.